दिनों शराब तस्करी धड़ल्ले से चल रही है। वहीं सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के आदेश पर प्रशासन शराब माफियाओं की कमर तोड़ने में लगी है, लेकिन लखीसराय में शराब माफियाओं ने पुलिस पर ही पथराव कर प्रशासन को खुली चुनौती दी। दरअसल जिले के गोविंद बिघा गांव के चिमनी भट्टे के पास गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसकी भनक लगते ही तस्करों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक मौके से पुलिस ने 25 लीटर देसी शराब जब्त करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसे छुड़ाने के लिए शराब माफियाओं ने पुलिस कर्मियों पर ही पथराव कर दिया, जिसमें एक ASI पंकज कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी पर बैठा के शराब की गाड़ी को करके ला रहे थे, तब तक जो है ये लोग मूवमेंट बना के हम लोगों पर जो है घरों पर दिया, ईटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिससे जख्मी हो गए और उसी अवस्था में जो है सदर हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाया। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, आंशिक रूप से, और जवानों को चोट लगी है। बोलो ना, जिनमें चोट लगी है वो कौन कौन थे? जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्वनाथ जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ, कब की है ये घटना? ये मैं बता दूं कि ये देर रात की घटना है। लखीसराय जिले के गोविंद बिघा गांव चिमनी भट्टा के समीप ये घटना घटी है। पुलिस के द्वारा छापेमारी अभियान के क्रम में शराब माफियाओं के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके वजह से एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि टाइगर मोबाइल के द्वारा शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया था, जिसके बाद 25 लीटर देसी शराब एवं 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे छुड़ाने के लिए शराब माफियाओं ने पुलिसकर्मी पर पथराव कर दिया, जिसमें एक SI पंकज कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। जी विश्वनाथ, अभी क्या कुछ कर रही है पुलिस, क्या कुछ एक्शन ले रही है अभी, मतलब इस पथराव के बाद जब शराब माफियाओं ने प्रशासन पर ही पथराव कर दिया, पुलिस क्या कुछ करने की सोच रही है? पुलिस अभी चिन्हित करके उन पर FIR दर्ज करने की बात कह रही है कि जल्द ही जिन लोगों ने पथराव किया था उन लोगों का नाम जो अंकित कर जो उसको गिरफ्तारी के लिए जो है FIR किया जाएगा। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया विश्वनाथ। तो आपको बता दें कि लखीसराय में शराब माफियाओं ने पुलिस प्रशासन पर ही पथराव कर दिया, जब पुलिस वहां पर छापेमारी करने गई और शराब जब्त करने गई। मुंगेर में देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहे युवक की ग्रामीणों ने बिजली के खंभे से बांध कर बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना तारापुर अनुमंडल के असरगंज थाना क्षेत्र की है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और उसकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि युवक देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। इस दौरान ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने उसे पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ है अपडेट अभी तक इस मामले में? देखिए, इस मामले में जो है लगातार जो है ये जो है व्यक्ति जो है युवक जो है कैब जा रहा था अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, इसी दौरान जो है ग्रामीणों ने जो है इसको बांध करके जो है पीटा और उसके बाद जो है काफी लोगों ने इसकी सूचना जो है स्थानीय पुलिस को दी। अब पुलिस जो है मौके पर पहुंच करके लोगों को हिरासत में ले लिया। ये दरअसल जो ये मामला जो है लगभग दो दिन का है और ये काफी वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा था। जी गौरव, यहाँ पर जिन लोगों ने इस युवक की पिटाई की है, क्या उन्हें हिरासत में लिया गया? यहाँ पे युवक को क्यों हिरासत में लिया गया है? पिटाई करने वालों के खिलाफ क्या कर रही है पुलिस? नहीं, जो लोग पीटे हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पुलिस जो है पूछताछ भी कर रही है, और जिस युवक को बांध कर पीटा गया था उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर क्यों गए थे, चूंकि पहरा तो पुलिस नहीं लगा सकती। जी जी गौरव, आप हमारे साथ बने रहे हैं, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे अभी अगली खबर पर भी। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर गांव में अचानक आग लगने से 200 आशियाने जलकर राख हो गए। अगलगी की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कई घर आग की चपेट में आ चुके थे। वहीं आग लगने की वजह से अब तक कई सामान
माफ करिएगा, वहीं आग लगने की वजह से अब तक सामने नहीं आई है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। जी गौरव, ये क्या वजह है, आग किस तरीके से लगी है वहां पर? देखिए, ये जो शॉर्ट सर्किट से जो है, ग्रामीणों की माने तो वो बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, क्योंकि अभी खेती का समय, कटवन का समय चल रहा है, तो लोग गए हुए थे कटवन करने के लिए, इसी दौरान जो है शॉर्ट सर्किट लगी और एक घर में आग लगी। उसके बाद चूंकि फूस का घर था और सभी फूस के घर में जो है धीरे धीरे वो आग पकड़ता चला गया। इसके बाद जो है ग्रामीणों में काफी उनकी ये सूचना जो है दमकल को दी और दमकल जो है मौके पर पहुंची। लगभग 10 गाड़ी जो है मौके पर दमकल को पहुंचना पड़ा और आग पे अब काबू पा लिया गया है। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया गौरव। तो आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के वजह से 200 घरों में आग लग गई। हालांकि अभी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन 200 आशियाने इसमें उजड़ गए। गुमराह जिले के चेटर कन्हर टोली बगीचे के दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात अपराधियों ने 26 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात अपराधियों की तलाश में जुट गई है।